ये देखिए वाईफाई लगा हुआ है और हम तीन लोग हैं तो पता ही है, ये काफ़ी बड़ा है। पावर वावर भी लगा हुआ है पूरा, कोई दिक्कत है नहीं। इधर बल्ब, टॉयलेट। तो ये रहा मेरे रूम का कुछ व्यू जो हम लोग, और ये बेड है इसका, डबल बेड है जिसपे हम तीन लोग आराम से आ सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुष्का से। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं एक नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली आज हम हैं कटरा, और कटरा में आप लोग जानते हैं कि क्या है, माता वैष्णो देवी दरबार है, तो वहाँ दर्शन करने हम लोग आए हैं। तो हम तीन जन आए हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। वो वीडियो का ट्रैवलिंग वाला आप लोगों ने नहीं देखा, तो जो आप कटरा आना चाहते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वो जर्नी का वीडियो है। उसमें मैंने सारा कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है जर्नी का, और क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या मतलब कैसे क्या करना होता है, क्या क्या लाना होता है यहाँ आने के लिए, वो सारा कुछ मैंने उसमें शेयर कर दिया है। टिकट वगैरह का सब कुछ, लो बजट अगर कोई करना चाहता है मतलब ट्रैवलिंग, तो उसके लिए ठीक है वो वीडियो। आपको इस वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इस वीडियो का जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख रखा है, मैंने अपने रूम के बारे में बात की है। जी हाँ दोस्तों, इस गली में मैंने पीछे रूम ले रखा, ज़्यादा अंदर नहीं है। मेन सड़क ये है, आगे चौक है बस, कटरा वाली मेन। तो बस दोस्त, ये बस आगे मोड़ पे हमने ले लिया है रूम। तो वो रूम मेरे को कितने का पड़ा है वो सारा कुछ बताएंगे, और आप भरोसा नहीं करोगे, एक दिन का 150 रुपये का। फैसिलिटी क्या है वो मैंने थंबनेल पे भी शो कर दी थी, और आगे वीडियो में भी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है? तो समझो 150 रुपये का एक जन का, हमारा 150 रुपये का पड़ा है भाई, बताओ। एक रूम, और रूम की फैसिलिटी दिखाते हैं। तो आप लोग भी आइएगा तो उसको मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। तो वो मैं अभी होटल का नाम हम देखे कर सकता हूँ। मैंने तो बुक कर लिया, मैंने बुक करके उसमें 2-3 घंटे हो भी गए, और हम लोग पूरा घूम के भी आए। हमने सोचा ये शेयर करना चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग आओगे तो रूम वूम का ज़्यादा सा दिक्कत होगा थोड़ा सा। किस तरीके से करना है आगे मैं सब बताता हूँ, मैनेज कैसे करना है यहाँ पे रूम का। चलिए चलते हैं इस गली में और रूम से। यहाँ पर मोहित भैया हमारे नमकीन के लिए ले लिए, कितना ले रहे? क्या बात कर रहे हो, हम तो 100 ग्राम लेने वाले थे। क्या भाई लगी है देखो दाल मोठ, क्या लगी है देखो। तो इस तरफ है रेलवे स्टेशन जिस तरफ से हम लोग आए हैं, और सामने ही ये गली है जहाँ पे मैंने भी इंट्रो शूट किया है। इसी में भी अंदर चलेंगे और आप लोगों को पूरा होटल ही दिखा देते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से फैसिलिटी हैं इतने कम रुपए में वो अजीब है। थोड़ा सा गली के अंदर गए तो होटल हॉलीडे, और हम लोगों का जो होटल है वो इस गली से नीचे उतरते ही है। तो चलिए चलें, थोड़ा सा अगर गली में आके सस्ता रूम मिल जाता है तो हमें लग रहा है ले लेना चाहिए, क्योंकि जो लो बजट, जिसका बजट कम होता है वो यहाँ पे आराम से आ सकते। अब ये मेरा होटल रहा है तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। खजूरिया होटल नाम है इसका, आप लोग देख सकते हो खजूरिया होटल। कुछ ये बिल्डिंग है खजूरिया होटल की, यहाँ से एंटर करते हैं। अच्छा, ये दोनों पहले ही जा रहे हैं, जो ये नहीं पता इनको चाभी हमारे पास ही है। चाबी ले लेते हैं भैया, चाबी बिल्कुल देंगे। चलिए चलते हैं भाई अंदर। तो सामने यहाँ पे रिसेप्शन है, बैठने के लिए सोफा वगैरह, रिसेप्शन, ठंडे पानी के लिए भी यहाँ पे सुविधा देते हैं। ठंडा पानी आप ले सकते हो गर्मियों में, ठीक है। और ये रूम देख लो, तो ये रहा, ये मेरा नहीं है फिलहाल, ये खुला है, कोई भाई ले रहा है। और क्या हुआ? जी फाइव रूम नंबर है, और यहाँ पे हम लोगों का खुद का वाईफाई लगा हुआ है। कहाँ गए? ये देखिए वाईफाई लगा हुआ है, और हम तीन लोग हैं तो पता ही है, ये है भाई साहब, ये है भाई साहब, ये लगा हुआ वाईफाई। तो हम ये देखिए होटल का नाम की पे लिखा हुआ, इसके गुच्छे पे इधर ही लिखा हुआ ना, खजूरिया गेस्ट हाउस कटरा। तो चलिए व्यू कराते हैं आपको। तो ये रहा मेरे रूम का कुछ व्यू जो हम लोगों ने ले रखा है। यहाँ पे टीवी है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और इधर इतना बड़ा हॉल नहीं है देखो, फिलहाल मेरा बैग रखा है क्योंकि इसमें पावर बैंक रखा हुआ है, यहाँ पे ये क्या है। और ये बेड है इसका, डबल बेड है जिसपे हम तीन लोग आराम से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंडा है। और यहाँ पे एक स्टूल, यहाँ पे बैग भाई का, टीवी से बता रहे हैं पहले कोई लेना देना नहीं, हमारा मेन था वाईफाई का, तो वाईफाई हम लोगों ने लगवा रखी है इस रूम में है ना। और ये रूम है, इसकी हालत वैसे ही बिगाड़ दी गई है, आते आते हम लोग लेटे थे, भैया रूम बंद कर दो अब। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से। हाँ, यहाँ पे एक शीशा भी लगा हुआ है भाई,
यहाँ पे अपना थोबड़ा देखने के लिए शीशा भी लगा हुआ है। अब बात करते हैं बाथरूम या टॉयलेट की, तो इसका कौन सा लाइट है, मोहित जला जला इसका। ये बाथरूम इसका है, अभी लाइट जलाते हैं। ये काफ़ी बड़ा है, पावर वावर भी लगा हुआ है पूरा, कोई दिक्कत है नहीं। इधर बल्ब, टॉयलेट स्टैंड और ये बाल्टी मग सब एकदम साफ़ सुथरा है। अब सोचो 150 रुपये पर बंदे का इसमें है, अब आप समझ लो। फिर एक बार मैं दिखाते हैं, रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ लेटना है, सोना है। इधर भी एक स्टूल जैसा है, उधर भी दिया हुआ है मोहित के पीछे, और ये बैग हमने ज़मीन में रख दिया। ये देखो इसकी क्या हालत बना दी, वाह भाई साहब। ये कुछ मग वगैरह पानी वानी के लिए भी है, गिलास विलास भी रखा हुआ है। तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा। अब बताते हैं इसकी एक्चुअल रेट क्या है। एक बार फिर से देख लो, ये डबल बेड रूम का, ये बैग, टॉयलेट, शीशा, सब कुछ, पंखा भी है आपके ऊपर है कि आप चलाते हो कि नहीं चलाते हो भाई। वैसे तो सर्दियों का टाइम आ गया है और यहाँ पे तो वैसे ही सर्दी लगती है। तो जैसा कि जब आप लोग रूम लेते हो 2 से 3 लोग, तब सोचते हो कि यार चार्जिंग पॉइंट जो है 2 से 3 रूम में होने चाहिए, ताकि अपना अपना फ़ोन भैया लगा सको एक साथ में। तो एक तो एक यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें मेरा पावर बैंक लगा हुआ है, और दूसरे भाई के लिए यहाँ पे लगा हुआ है, जिस भाई का यहाँ पे पावर बैंक लगा हुआ है। फ़ोन सबके चार्ज हैं, पावर बैंक किसी का नहीं चार्ज है। तीसरे के लिए अगर कोई यूज करना चाहें, जब तीसरा वैसे डबल बेड का रूम है तो 2 लोगों के लिए होता है, बगैर तीसरा भी चाहे बंदा तो ये रहा, टीवी निकाल लो फेंको इसको, पुरानी टीवी है कौन चलाएगा इसको। तो ये तीसरा भी मिल जाएगा। तो चार्जिंग पॉइंट काफ़ी है, मतलब 3 हैं और एक रूम में 3 बहुत ज़्यादा हैं डबल बेड के रूम में, तो मतलब डबल लोगों के लिए था ये, और 3 लोगों की पूरी व्यवस्था इसमें है। तो ये तो थी, तो ये तो थी कुछ यहाँ की मेन इंपॉर्टेंट बातें। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आराम से बेड पर हूँ, 3 लोग आराम से इस पर लेटेंगे। और इसका एक्चुअल रेट की बात करें तो इसका एक दिन का यानी कि 24 घंटे का इसका जो रेट है वो है 450 रुपये। जी हाँ दोस्तों, जिसमें गीज़र भी मिलता है यानी कि गर्म पानी भी आएगा हम लोगों के लिए, टीवी है वो चलाएंगे नहीं हम लोगों को, मेन ठीक ही वाईफाई, क्योंकि आप लोग जब जम्मू आओगे, कटरा आओगे जब, तो आपका कोई भी नेटवर्क हो यहाँ पे आके बंद ही हो जाना है, कॉल और नेट सब कुछ बंद हो जाना है, सिम ही ब्लॉक हो जाने हैं। यहाँ खुद का सिम होता है वो खरीदना पड़ता है, वो चलता है, तो वो 400-500 रुपये का आता है। आप लोग अगर ज़्यादा दिन रुकना चाहते हैं तो वो सिम ले सकते हो, वरना मुझे तो कॉलिंग की 2-3 दिन की ज़रूरत है नहीं अभी, ठीक है। पर नेट तो चाहिए था क्योंकि वीडियो अपलोड करने थे, तो इसी वजह से हमने ये वाईफाई वाला रूम ले रखा है। तो इसका 450 रुपये 24 घंटे का, हम 3 लोगों का, तो एक बंदे का कितना पड़ा 150 रुपये में। तो थंबनेल में मैंने कोई क्लिक बेट नहीं करवाया भैया, ठीक है, क्योंकि 150 रुपये पर व्यक्ति का एक दिन का ये पड़ा है। तो हम लोग रुकेंगे 2 दिन इसमें, यानी कि 2 रातें इसमें रुकने वाले हैं हम लोग। तो इसका हम लोगों ने 900 रुपये पे किया है आराम से, ठीक है। और आप लोग होटल की तरफ से भी खाना वाना भी मंगवा सकते हो, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, अपना बजट कम है अगर आप लोग तो बाहर से खा लोगे तो बजट में आ जाएगा, ये चीज़ है। तो हम लोग भी थोड़ा सा बजट वाली ही ट्रेवलिंग कर रहे हैं अभी, क्योंकि उतना भाई नहीं आ रहा है। तो उस हिसाब से आप लोग दिखाना भाई एक बार, पूरा फिर से एक बार दिखाना साइड से, सब कुछ मेंटेन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भाई, साफ सफाई की भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। टीवी वी से अपना लेना देना नहीं, क्योंकि फ़ोन से ही पूरा काम होता है। तो बाथरूम वगैरह मैंने आपको दिखा दिया, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा वो वेस्टर्न वाली है, आप लोग इंडियन भी यूज कर सकते हो, तो उसके लिए भी है अवेलेबल। जैसे कई गांव से लोग होते हैं हमारी तरह, तो उसको दिक्कत होती है उन लोगों को, तो वो सब मेंटेन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी ठंडा पानी भी आप लोगों को पीने के लिए मिले, मतलब छोटी मोटी चीज़ें तो हैं, मेन चीज़ है वाईफाई वगैरह है, आपको गर्म पानी भी सब कुछ दिया जाता है, और यहाँ से मंदिर चढ़ने का रास्ता भी मतलब पास में है। तो ये सब चीज़ें थी हम लोगों ने आके ले लिया। अब आप लोग बताना कमेंट में ये रूम कैसा है, और एग्जैक्टली लोकेशन और तो मैं नहीं बता पाया इस वीडियो में, लेकिन मैंने होटल का नाम वगैरह आप लोगों को दिखा दिया, बता भी दिया है, गुच्छे पे दिखा दिया, ठीक है, थंबनेल पे भी शायद मैं डाल दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आया, ज़्यादा वीडियो बड़ा था नहीं क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाना था नहीं, मैं इससे भी सस्ता हो सकता आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, जो धर्मशाला वगैरह होते हैं जहाँ पे 100 रुपये में भी आपको ठहरने की उचित व्यवस्था हो जाएगी आपकी, तो वो वाला भी रूम वगैरह आप लोगों को हम दिखाएंगे अगले आने वाले वीडियो में। ये तो मैंने अपना वाला भी एक्सप्लोर कर दिया कि मैंने कितने में यहाँ पे लिया है, कितने में मैं रुक रहा हूँ, ठीक है।
और खाना वाना तो हम लोग बाहर से ही खा रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ से रिलेटेड और भी कोई आप लोग को जानकारी चाहिए है जम्मू कटरा से तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाओ लिखो जाके, वरना आप लोग इंस्टाग्राम पे सीधा चले जाओ, यूजर नेम स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए वहाँ पे फॉलो करिए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, सीधा रिप्लाई आता है भाई। और सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप लोगों ने चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ स्क्रीन पर सब्सक्राइब जैसा लिखा हुआ है इसी तरीके से नीचे आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा उसको दबा देना है, पास में का बेल आइकन दबा कर पे क्लिक कर देना है ताकि हमारे आने वाले कटरा के और भी वीडियो और आने वाले इन फ्यूचर जो ब्लॉगिंग के वीडियो हैं वो आप लोगों तक पहुंच जाएंगे सबसे पहले और आप देख पाओगे हमारा वीडियो सबसे पहले और जानकारी प्राप्त कर पाओगे उस जगह के बारे में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।